जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्टकट में जेपी पावर के नाम से जाना जाता है। इन दिनों अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है आजकल शेयर मार्केट में जेपी पावर का। जेपी पावर अपने पूरे फॉर्म में है। इन दिनों देखेंगे तो शानदार रिटर्न, तकरीबन 2.5% 3% का रिटर्न तो डेली ही मिल जा रहा है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद बाद थोड़ा सा प्राइस रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ रहा है, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। मैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि चार्ट पर क्या पैटर्न बन रहा है, क्यों इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और प्राइस अब आगे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और कितना इसमें ग्रोथ होने की संभावना है। सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा एक तरह शुरू से करेंगे। दो तीन बात पहले आप समझिए, कंपनी ग्रो कब करती है, कैसे करती है, पहले उस कंपनी काम क्या करती है, काम के यहाँ पे समझा जाता है कि आने वाले समय में कंपनी में सस्टेनेबल ग्रोथ होने के चांसेस है कि नहीं। तो यहाँ पर यदि आप काम के बारे में बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले कंपनी देखिए 1994 से देखेंगे ऑपरेट्स हो रहा है कोल माइनिंग में। कोल माइनिंग मतलब कोयला, बालू और सीमेंट वगैरह के खदानों में कंपनी काम करती है। सीमेंट ग्रेडिंग में तो बाद में आई, पहले ये इसका जो मेन बिजनेस था कोल माइनिंग का था और सैंड माइनिंग का था। अभी सीमेंट ग्रेडिंग के साथ साथ इन दिनों देखेंगे तो कंपनी की जो सबसे अच्छी चीज़ है कि कंपनी बिजली भी बनाने लगी है, थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाती है और हो सकता है कि आगे चलकर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी कंपनी कदम रखे। लेकिन मतलब काफ़ी व्यापक तौर पर कंपनी का व्यापार है, अलग अलग क्षेत्र सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो जब कंपनी व्यापार बड़ा करती है, अलग अलग सेक्टर में काम करती है, तो एक सेक्टर डाउन भी जाए तो दूसरे सेक्टर से कंपनी की कमाई होती रहती है और उसमें ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। तो काम के व्यापार पर देखें तो कंपनी में आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिलेगी। अब चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर मैं आपको काम की बात चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। फंडामेंटल में आपको पता है कि मार्केट के लिहाज से कंपनी एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी में श्रेणी में आती है। तकरीबन 6,716 करोड़ रुपये कंपनी का मार्केट कैप है और इसके हिसाब से देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस बहुत कम है, बहुत कम है दोस्तों। अभी इसमें मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, ये एक सही समय है या नहीं इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। हालांकि बुक वैल्यू कंपनी का शेयर प्राइस कम है, ये एक चिंता की बात हो सकती है, लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओईसीई देखेंगे दोनों पॉजिटिव में काफ़ी बढ़िया बात है। हालांकि आरओई थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो आरओई भी मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। अब चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पर। एक साल का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया और एक साल के चार्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हैं उनको यह बात पहले से पता था कि स्टॉक में एक लंबा ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि काफी दिनों से देखेंगे तकरीबन जनवरी से ही देखिए इस साल के शुरू से ये स्टॉक इस रेंज, ये जो पहले इसके लिए सपोर्ट था इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया था और काफी दिनों से देखेंगे तो ये 6 रुपए से लेकर 7 रुपए इसी के बीच में कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा था तकरीबन जनवरी से लेकर इस ये आप मंथ देखिए ये अगस्त का मंथ है। अगस्त तक सामान्यतः किसी भी कंपनी का स्टॉक काफी दिनों तक कंसोलिडेशन में नहीं रहता है, जल्दी बाहर निकलने की करता है और जितना समय बिताता है कंसोलिडेशन रेंज में, जब बाहर निकलता है तो उतना ही शानदार ब्रेकआउट उस स्टॉक में देखने को मिलता है। तो जैसे ही यहां पर इस और अब तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया, सीधे आपको गया 11 रुपए तक जाते हुए दिखा है। अब जैसे यहां पर देखिए बढ़ते बढ़ते प्राइस खूब ऊपर आया, तकरीबन 11 रुपए करीब आया और जब नीचे से प्राइस इतना ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया था। अब देखिए नीचे आने के बाद प्राइस यहां से देखेंगे तो फिर ऊपर जाने की ओर अग्रसर है और फिर प्राइस अब ऊपर जाएगा। अब इस बार जब इस रेजिस्टेंस को यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ इसके ऊपर जब इस कंपनी का शेयर प्राइस निकलेगा तो इसके आधा यहां से लेकर यहां तक कि कम से कम आधा दूरी तो और ऊपर जाके ये तय करेगा ही करेगा, यानी कि जितना इसमें पैसा बना है उतना आधा पैसा और इसमें बनने के लिए तैयार है। यानी कि शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि शेयर प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकला तो एक अच्छा खासा इस स्टॉक में पैसा बन सकता है। और यदि लंबी अवधि का आप निवेशक हैं तब तो जयप्रकाश पावर में आपको कुछ सोचना ही नहीं। जयप्रकाश पावर के बारे में जिसमें बताया कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार से कंपनी का फंडामेंटल ग्रो कर रहा है, इसमें लंबी अवधि में तेजी बनेगी ही बनेगी। उम्मीद करता हूं जयप्रकाश के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा और व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।